वो एक 65 साल का बुजुर्ग है, वो हर लड़की के सपनों का राजा है, वो एक सिंगर है, एक्टर है, डांसर, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, म्यूजिक कंपोजर, वो सब कुछ है, वो भगवान है, वो है मिस्टर राजकुमार ठकुरिया। तो मिस्टर राजकुमार ठकुरिया हमें सिखाएंगे कि अगर हमें कभी भूख लग रही हो और हमारे पास खाने के लिए पैसे ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक गल किसी का मित्र के मिस्टर राजकुमार ठकुरिया का स्वैग इस दुनिया से कहीं ज्यादा है। हवा में गोली चलाई तो रेडीमेड चिकन गिर रहा है। इस बंदे को तुम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझने की गलती मत कर देना। अरे रुको 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 भाई, ये मिस्टर मिस्टेरी है, मिसेज नहीं है, इनको लड़की समझने की गलती मत कर देना। ये लंबी सुनहरी जुल्फे और मटकती हुई चाल देख के कंफ्यूज ना हो जाना, ये औरत नहीं है भाई, आदमी है ये। बिग बॉस में कभी अनूप जलोटा को देख के तुम्हें ये लगा कि यार ये 65 साल के बुड्ढे ने ये 28 साल की लड़की कैसे पटा ली, तो अपने मिस्टर राजकुमार ने तो पीएचडी कर रखी अपनी पोती की उम्र की लड़कियां पटाने में। दीवाने तू दीवाने, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना प्यार का। शक्ल से तो ये बंदा भगवान से 2 या 4 दिन ही छोटा होगा, और ये लड़की, ये कल सुबह की पैदा हुई लड़की का ये दीवाना है। बहुत अजीब सा लग रहा है यार ये दादा पोती की जोड़ी को रोमांस करते हुए देख के। और नौबत तो यहाँ तक आ रखी है कि उस लड़की ने दादाजी के साथ डांस करने के लिए भी मना कर दिया। दादाजी को अलग रिकॉर्ड करके, लड़की को अलग रिकॉर्ड करके, दो वीडियोस को जोड़ के एक वीडियो बनाई है ये। अब मिस्टर राजकुमार ठकुरिया अपने गाने खुद ही लिखते हैं, खुद ही उसको गाते हैं, खुद ही उस पे डांस भी करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, और इन्होंने अपनी खुद की फिल्म भी बनाई है, मिस्टर राजकुमार अ वंडरस आर्मी। अब इस मूवी का डायरेक्टर कौन? मिस्टर राजकुमार ठकुरिया। प्रोड्यूसर कौन? मिस्टर राजकुमार ठकुरिया। एक्टर कौन? मिस्टर राजकुमार ठकुरिया। सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, सफाई वाला, झाड़ू पोछा वाला, सब कुछ सिर्फ मिस्टर राजकुमार ठकुरिया। वाओ भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो मूवी स्टार्ट होती है एक स्कूल के सीन से, और फिर एंट्री होती है हमारे वंडरस आर्मी राजकुमार ठकुरिया की। जी हाँ, ये एक हीरो की एंट्री है। ऐसे ट्रेन के आगे से जंप मार के ऐसे कमर मटकाते हुए आए, हाय हाय भगते हुए आता है, और फिर शुरू होता है फाइट सीन। और ये बुढ़ापे के चलते हमारे हीरो से लात तक नहीं उठाई जा रही है, मारनी थी लात सर के पीछे टांड पे, लेकिन हाय हाय रे बुढ़ापा, सिर्फ कमर तक ही उठा पाया लात। What the wow. is this? वाह, क्या सुंदर लड़की। अबे दादाजी थोड़ी सी तो शर्म करो, तुम्हारी पोती की उम्र की है वो। क्या सुंदर लड़की, उठा ले रे बाबा मेरे को। नहीं, ये वैसी दरिंदे को, अरे तेरी पोती जैसी बच्ची है बेचारी यार, उसको तो बख्श दे ऐसे। वाह, ये ऐसे ही रंगीन मिसाज बुड्ढों की पिटने की खबरें अखबारों में छपती है, दूरबीन लेके लड़कियां ताड़ेंगे, खुद एक्सपायरी डेट के पास है, और ये 15-16 साल की बच्ची। अबे यार दादाजी कुछ तो शर्म करो यार। कुत्ते के औलाद, हिम्मत ही तो सामने आ जाओ और मेरे साथ मुकाबला करो, कौन कितना पानी में देखा जाएगा। इस धमकी के बाद आई हाईली डाउट कि एक पत्ता भी हिला होगा। कुत्ते के औलाद, हिम्मत ही तो सामने आ जाओ। उई माँ, मैं तो डर गई, दादाजी धमका रहे हैं। उई कुत्ते के औलाद, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। दीवाने तू दीवाने, दीवाना मैं दीवाना। पता नहीं यार वो कौन सा ही बाप होगा जो ऐसे दीवाने दादाजी को अपनी बेटी देगा। मेरा एक बेटी है, तुम उसको शादी कर लो। अबे कैसा सा बाप है ये गोलू, इससे कम से कम 500 साल बड़े होंगे उम्र में दादाजी, उनको अपनी बेटी के चल क्या रहा है ये। गिर गिर अबे गिर।
अबे गिर जा, अबे गुब्बारे यहाँ तो गिर जा या सीधा खड़े हो जा। ये कौन से दौरे पड़ रहे हैं इसको, ये हवा में झूल रहा है। लॉल। खैर, राजकुमार ठकुरिया प्रस्तुति में आज हमारे पास बस इतना ही कंटेंट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, यह चलचित्र पसंद आया, तो कृपया लाइक वाले बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस वाले बेल आइकन को दबाइए। अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।